गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स फॉर ऑल द स्टूडेंट आप सब क्लास फर्स्ट में आ गए हैं आपने क्लास यू के जी कंप्लीट कर ली है और अब आप आ गए हैं क्लास फर्स्ट में तो बच्चा आपका जो बुक है बुक से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ मेरा नाम है सुचिता सजवान और मैं आपको पढ़ाऊँगी ए तो बच्चा आपके पास अभी तक यू के जी में ओनली फोर सब्जेक्ट होते थे हिंदी इंग्लिश मैथ्स एंड जी के तो बच्चा अब आपके पास क्या है अब आपके पास सब्जेक्ट आपके बढ़ गए हैं तो इसी में अब हमारा एक सब्जेक्ट आता है ई वी एस ई वी एस यानी कि इन्वायरमेंट साइंस इन्वायरमेंट साइंस में आप क्या पढ़ेंगे इन्वायरमेंट साइंस में आप पढ़ेंगे कि आपके चारों तरफ क्या चीज़ें होती हैं क्या आप प्लांट्स के बारे में जानते हो एनिमल्स के बारे में जानते हो ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसानों के बारे में जानते हो तो यही चीज़ आप ई में पढ़ेंगे ई क्या है ई है इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ का पर्यावरण तो आप इसी में समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे चारों तरफ किस तरह से हमें चीज़ों की केयर करनी है ठीक है किस तरीके से अपनी बॉडी को फिट रखना है अपने प्लांट्स के बारे में किस प्रकार से प्लांट्स होते हैं और आपके जो एनिमल्स होते हैं किस प्रकार से अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं आपने पहले भी पढ़ा होगा डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं पेट एनिमल्स होते हैं तो इसके बारे में आ, आगे, आगे आप एनिमल्स के बारे में और चीज़ें भी पढ़ोगे तो सबसे पहले आप अपनी बुक निकालिए ये देखिए आपको इस प्रकार से बुक लेनी है जिन बच्चों ने नहीं ली है वो बुक का सेट लेंगे और जिनके पास ऑलरेडी बुक है तो आप साइंस की बुक ओपन करिए और फर्स्ट इसका कंटेंट्स ओपन करिए तो देखिए कंटेंट्स में आपका है इको स्मार्ट तो इस पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज हम कंटेंट्स के बारे में ही पढ़ते हैं कि अब आप क्या क्या पढ़ोगे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स होती हैं जीवित वस्तु और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं निर्जीव वस्तु अब आप कहेंगे जीवित वस्तु निर्जीव वस्तु क्या होती हैं तो इसके बारे में आप आगे तो पढ़ेंगी मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं लिविंग यानी कि जो क्या करती हैं एक जगह से दूसरी जगह चलती हैं सांस लेती हैं ठीक है ग्रो करती हैं यानी कि बढ़ती हैं ठीक है, है? मूव करती हैं चलती हैं ब्रीथ सांस लेती हैं और क्या करती हैं रिप्रोड्यूस होती हैं यानी कि अपने जैसे ही पैदा करती हैं और लास्ट में डेथ यानी कि मरती हैं तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें देखिए हम हैं ह्यूमन बींग यानी कि इंसान तो हम इंसान तो होते ही हैं और क्या होते हैं हमारे पेड़ पौधे आपने देखा होगा जैसे फर्स्ट हम बीज बोते हैं तो बीज से पौधा निकलता है फिर वो पौधा धीरे धीरे बढ़ता है है ना बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, बढ़ता है फिर वो बाद में जब बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर सूख जाता है तो वो फिर क्या होता है टूट जाता है यानी कि उसकी भी डेथ हो जाती है इसी प्रकार से एनिमल्स होते हैं तो एनिमल्स भी क्या है हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं क्योंकि वो भी पैदा होते हैं जो पहले बेबी होते हैं फिर बड़े होते हैं और फिर वो भी बाद में मर जाते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है तो वो ये चीज़ लिविंग थिंग्स क्या होती हैं सांस लेती हैं बढ़ती हैं है ना अब नॉन लिविंग थिंग्स में वो चीज़ें आती हैं कि जो ना ही एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं ना ही सांस लेती हैं ना ही रिप्रोड्यूस यानी कि पैदा करती हैं अपनी जैसा और ना ही इनकी डेथ होती है जैसे कि हमारी क्या होती हैं थिंग्स होती हैं हमारी चेयर हो गए टेबल हो गए बॉक्स हो गए घर में अलमीरा हो गया बेड हो गए जितनी भी थिंग्स होती हैं ठीक है ये क्या करती हैं इन्हें हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स उसके बाद आप सेकेंड में पढ़ेंगे द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे होते हैं इनका कैसे किस प्रकार से प्लांट्स का एक अपना ही संसार होता है उसके बाद आप पढ़ेंगे थर्ड में अवर ग्रीन फ्रेंड्स हमारे जो ग्रीन फ्रेंड्स हैं यानी कि हमारे मित्र हैं ठीक है थीके, कौन से मित्र ग्रीन फ्रेंड्स यानी कि हरे मित्र तो आप ये आपके पेड़ पौधे ही हो सकते हैं वर्ल्ड्स ऑफ एनिमल्स और आप उसके बाद पढ़ेंगे किसकी दुनिया जानवरों की दुनिया तो आपको साइंस बहुत ही क्या लगेगा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा आपको क्योंकि इसमें आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे उनको सीखेंगे और ये चीज़ें कैसी होंगी ये आपके डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होंगी जो आप अपने डेली यूज़ में करते हो वही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी ठीक है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको एक बात बता दूँ आप जब भी साइंस की बुक लेंगे और कॉपी लेंगे तो आपको जो कॉपी लेनी है वन साइड प्लेन और वन साइड इंग्लिश इंग्लिश में लेनी है हिंदी में नहीं लेनी है इंग्लिश में लेनी है तो वन साइड आपका प्लेन इसलिए होगा कि कभी आपको डायग्राम यानी कि चित्र बनाने के लिए दिए जाएंगे तो आप चित्र बनाएंगे और वन साइड जो इंग्लिश का होगा पेज वहाँ पे तो आप लिखेंगे अपने क्वेश्चन आंसर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी होगा आपका लेसन से रिलेटेड और बाकी जो आपका जब आपको फॉर एग्जांपल ट्री का बनाने के लिए दिया जाए प्लांट्स का बनाने के लिए जाए दिया जाए तो आप प्लेन पेपर में उसको बनाएंगे तो वन साइड प्लेन और वन साइड इंग्लिश रूल वाली आपको कॉपी लेनी है तो आप अपने एक लिए साइंस की कॉपी बनाइए और ये बुक आप ले लीजिए तो हम इसके बाद अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे पहले हम रिवीजन के तौर पर चलेंगे जो आपने अभी साइंस आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है इसके बाद हम अपना प्रॉपर ढंग से स्टार्ट कर लेंगे तो इसमें आप कहीं छोटे ना आप कहीं पीछे ना रह जाएं इसलिए आप अपनी कॉपी और बुक जल्दी से जल्दी बना दीजिएगा तो आज हम इतना ही करेंगे ओके थैंक यू